सलामुअलैकुम, नमस्कार, श्रीकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज टॉपिक है कैल्शियम पूरा करना मादियों का और किस महीने में मादी नर को अलग करना। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। तो बात कर लेते हैं जो कि ब्रीडिंग पेयर्स होते हैं, जो कि आपके ब्रीडिंग पेयर्स हैं या हमारे ब्रीडिंग पेयर्स हैं जो हमने बच्चे वगैरह निकलवाने के लिए रखे हुए हैं, तो उनको किस महीने में उन्हें अलग करें और एक महीने या 40 दिन के लिए उन्हें अलग करें ताकि उनका कैल्शियम हम पूरा कर सकें। तो उनका कैल्शियम पूरा हम कैसे करेंगे, ठीक है, और किस महीने में हम उन्हें अलग करेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है और करना भी चाहिए क्योंकि उनका कैल्शियम पूरा हो जाता है, रेस्ट देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, कैल्शियम पूरा करने का मकसद यह है, कैल्शियम पूरा करना यूं जरूरी रहता है, अगर हम कैल्शियम पूरा ना करें तो वो मादीने जो है वो अंडों से चली जाती हैं, शिकायत रहती है भाइयों की। ठीक है दोस्तों, कबूतरों को भी कैल्शियम पूरा करना चाहिए, ठीक है, वो भी कमजोर हो जाते हैं। ब्रीडिंग हम 12 महीने लेके चल रहे हैं, 12 महीने का ब्रीडिंग करवा रहे हैं, बच्चे निकलवा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप 1 महीने का रेस्ट दें, थोड़ा आराम दें और उनका कैल्शियम पूरा करवाएं मादी और नर को, फिर फीमेल और मेल को अलग अलग करें, ठीक है, ताकि उनका कैल्शियम पूरा कर सकें। तो बताने का मकसद यह है कि उनका कैल्शियम पूरा करना है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आप 2 तरीके से फायदा ले सकते हैं कबूतरों से। एक तो अगर आपकी बाजी है और आपको कैल्शियम पूरा करना है मादिनों का, तो एक ही महीने में दोनों काम कर सकते हैं। मतलब कि यह है कि एक तीर दो शिकार, सही है दोस्तों। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताता हूँ कि महीना वो कौन सा है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा लेट हो गई ये वीडियो, ये महीना जो था अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में आपको नर और मादीन को अलग अलग करना है, ठीक है, अलग अलग जाल में बंद कर दें। और यही काम जब बाजी की टूर्नामेंट का तैयारी होती है, जब भी यही काम होता है, ठीक है, हो गई ना दो बात। तो अब उनमें दाना कैसे चलता है, अब दाना नोट कर लें, चना, मक्का, गेहूं और सरसों, ठीक है, ये चीजें आपको चलानी है। और उसमें हाँ थोड़ा चावल भी चलना है। तो दोस्तों ये दाना हमारा हो गया जो कि हमें बाजी के लिए तैयारी करनी है, उसमें भी ये दाना चलेगा। अगर हम कैल्शियम पूरा करा रहे हैं मादना मादी अलग करी है तो उसमें भी यही दाना चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब कैल्शियम की बात कर लेते हैं, इसमें हमें कैल्शियम पूरा कैसा करवाना है कबूतरों को, ठीक है, या हमें बाजी के लिए तैयारी करनी है तो उसमें कैल्शियम भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी पाउडर के बारे में जो कि दाने के ऊपर लगा के आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो वो उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा। तो दोस्तों वो पाउडर आप दाने के ऊपर लगाएं, इस्तेमाल करें उस पाउडर को, आप वीडियो देख लें। वो वीडियो मेरी पिछली राजेश भाई ने मुझे वो पाउडर बताया था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दोस्तों वो पाउडर इस्तेमाल करें, ठीक है दोस्तों। अब वो पाउडर दाने के ऊपर लगाएं और वो दाना चलाएं, ठीक है, दाना आपने नोट कर लिया है, उसके ऊपर वो कैल्शियम आपको लगाना है और वो दाना इस्तेमाल करना है। ब्रीडिंग वालों के जो अलग अलग करें नर और मादीन, उनमें भी इस्तेमाल करवाना है ये, और जो आप बाजी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल करवाना है दाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम अगर और अलग से पिलाना चाहते हैं तो विमराल और ऑस्टोवेट ला सकते हैं और वो एक एक ढक्कन कबूतरों तगड़से में डालकर कबूतरों को पिलवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कैल्शियम, विटामिन, विमरल्स, इन चीज़ों के जो पाउडर वगैरह हैं या और जो भी शीशे आती हैं, लिक्विड वगैरह आते हैं, वो भी बहुत सारे आते हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मेडिकल पर जाएं, देखें उसमें साल्ट, देखें पहले उसका, उसमें सब चीज़ें हैं, मिनरल्स, विटामिन, जो भी सब चीज़ें रहती हैं सब कुछ, तो वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये है कि आपने अपनी यूट्यूब पर बताते रहते हैं अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक, तो आपको जो अच्छा लगे, सब में बेस्ट लगे, वो आप लाएं और इस्तेमाल करवाएं अपने कबूतरों में,
100% कह रहा हूं कि आपके कबूतर जो निकलेंगे फुल 100% कैल्शियम पूरा निकलेगा उनका, और जो कबूतर बाजी के लिए तैयार करे हैं वो भी कबूतर एकदम फिट निकलेंगे। तो ये दोनों, ये मत समझ लो, दोनों चीजें जो हैं एक ही तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मेरा बताने का फर्ज इतना था कि आप कर सकते हैं, आप सभी मेरे नए खिलाड़ी, नए कबूतर शौकीन जो है वो कर सकते हैं। मैं कोई बड़े खिलाड़ी के लिए नहीं बता रहा, मैं अपने जैसे बंदों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अपनी बात जो है शेयर कर दी आपके साथ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, हमारा बताने का फर्ज था। और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं भाइयों में, सभी भाइयों को पता चले, कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई बात अगर पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैल्शियम वगैरह मैंने बताया तो वो मैं फोटो शो कर दूंगा स्क्रीन पे, तो वो कैल्शियम ला सकते हैं। और जो दाने के ऊपर लगाना है कैल्शियम, वो भी मैं आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। जो कि मैंने बताया उस पे फोकस करें, इस्तेमाल करें और फिर बताएं कि हाँ भाई रिजल्ट कैसा है। दोस्तों नरमादिन अलग करने का महीना यही था, आप नरमादिन अलग कर सकते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट बात है ये, तो करें। ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर। कोई बात होती है तो हमसे जरूर कहें कमेंट्स में, हम जरूर बताएंगे। खुदा हाफिज़।